3, 2, 1. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस ब्लॉग शिल्पी। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूँ, आज का ब्लॉग मैंने सच बताऊँ शूट ही नहीं किया, बिल्कुल ही नहीं शूट किया। एक तो शूट करना इतना बोरिंग लगता है और उसी में आप लोग फिर व्यू भी नहीं आते, आप लोग भी सपोर्ट नहीं करते कि जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें और तो अच्छा लगेगा। और यदि आप लोग सपोर्ट करते हैं तब, और सबसे बड़ी बात है, चलिए लाइक सब्सक्राइब तो बात की बात है, आप लोग कमेंट ही करें कि रिस्पांस दे दीदी आप क्या अच्छा कर सकती हैं, क्या बुरा कर रही हैं, किस टॉपिक पर ब्लॉग बनाएं, क्या सा क्या। तो ये जैसे मेरे कल कमेंट आया था कि स्टडी पर ब्लॉग बनाइए, तो स्टडी पर ही ब्लॉग मेरा रहता है ज़्यादातर, थोड़ा बहुत घर से। मेरा ये सीधी सी बात है, ये ब्लॉग पर्पज़ से है। और आप लोग जानते हैं स्टडी से और वैकेंसी संबंधित मेरा दूसरा चैनल है पीएस वर्ल्ड ऑफिशियल 2M। हालांकि उसमें भी मैं अभी ज़्यादा काम नहीं कर पा रही हूँ। काम क्या ही, अब मैं क्या ही बताऊँ, दिन मालूम ही नहीं चलता निकल जाता, कब कामों में पूरा 12-1 बज जाए मालूम नहीं चलता। फिर इसके बाद ये हो जाता, थोड़ा बहुत आलस खा गए और थोड़ा बहुत यदि सो झपकी लग गई दिन में, तो बस फिर ये हो जाता पूरा दिन ख़त्म। और फिर शाम का वही रूटीन, खाना पीना झाड़ू ये सारी चीज़ें। लेकिन फिर भी अब तो ये फाइलें भी लिखना पड़ती हैं, और जैसे मैंने आपको बताऊँ ना, 16-17 फाइलें मिली हुई हैं हमारी कॉलेज से। जैसे एक फाइल में 5 क्वेश्चन लिखना है, आप लोग अच्छे से समझिएगा। DL.ED कर रही हूँ जैसे मैंने बताया आप लोगों को। हालांकि ये था कि चलिए प्राइमरी में भी आएगी वैकेंसी तो ऑप्शन खुल जाएगा, बस इस उद्देश्य से ये मेरा करा रहे हैं DL.ED। हालांकि मेरा MSc BEd है, जैसे मैंने कई बार आप लोगों को बताया होगा कि मेरा स्टडी तो वैसे भी पूरा कंप्लीट है, क्योंकि मैं पहले से ही 8-9 साल मैंने कंपटीशन की तैयारी की। हालांकि फ़ाइनल सिलेक्शन मेरा अभी तक कहीं नहीं हुआ है, बस इसी रीज़न की वजह से। बस ये होता है, अब जब लगातार पढ़ते थे तब सिलेक्शन नहीं हुआ, कभी कभी लगने लगता है। अब तो ऐसा है कि गृहस्थी में व्यस्त है तो कैसे होगा, लेकिन ये है ना, कहते कैसे जहाँ चाहे वहाँ रहा है। तो बस यही है, मैं कुछ करती नहीं थी, तो फिर मैंने सोचा चलो। और मेरी हैबिट भी थी हमेशा से कुछ करने की, कि टीचिंग करते रहना या फिर कोई और चीज़ें, मैं हमेशा ही कुछ ना कुछ किया है, तो ये चीज़ थी। तो इस वजह से मैं यूट्यूब में आ गई। तो चलिए, तो आप लोगों को गाइड करूँगी, साथ साथ मैं भी स्टडी करूँगी, क्योंकि स्टडी तो अब मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी से तो छूटने वाली है नहीं। और जब तक टाइम है, कहते हैं 40 साल तक रहता है लड़कियों का, 45 साल तक जितना भी रहता होगा, तो अभी ये सवाल मान के चलिए 15 साल है, तो इतने में ही तो बहुत है, इतना दो तीन चार साल तो बहुत होता है। और वैसे भी मेरा उद्देश्य और पर्पज़ मेरा यही है कि टीचर बनना। पहले हालांकि मैंने कंपटीशन की तैयारी की, सभी ज़्यादातर जो वैकेंसीज निकलती थी महिला बाल विकास, ज़्यादा फोकस मेरा महिला बाल विकास में रहता था, क्योंकि वही मुझे सबसे ज़्यादा मेरा चॉइस था। और मतलब ये था कि हर चीज़ जानना, तो ये महिला बाल विकास, रेलवे का भी मैंने पेपर दिया हुआ है, और भी पटवारी है, पुलिस का तो ऐसा है कि आप लोग जानते हैं हाइट ही नहीं है मेरी। हाँ, लेकिन उद्देश्य मेरा यही था टीचर बनना। तो चलिए, कहीं ना कहीं यदि मौका मिलता है तो देखते हैं। और वैसे भी टीचर तो मैं पहले से ही थी, मैंने भी 5-6 साल टीचिंग की हुई है, सिर्फ ये प्राइवेट और गवर्नमेंट में। गवर्नमेंट में एक स्टेबिलिटी मिलती है, इस वजह से हमारा ये रहता है कि चलो स्टेबिलिटी मिलेगी। इस वजह से ज़्यादातर यही रहता है कि चलिए स्टेबिलिटी मिलेगी तो फिर गवर्नमेंट ही अच्छी है। प्राइवेट में तो ये रहता है कि आप कभी भी निकाल दे जा सकते हैं, या क्योंकि प्राइवेट में ना गवर्नमेंट से ज़्यादा सीखने को मिलता है, बस अब ये कि काम का ओवरलोड हो जाता है और आपको जितनी आप मेहनत कर रहे होते हैं उतनी आपको सैलरी नहीं दी जाती है, 1% या 2% ही दिया जाता है। इस वजह से ज़्यादातर ये रहता है कि चलिए गवर्नमेंट ही सेफ जोन है, कोई निकाल नहीं सकता, कोई किसी तरह से परेशान नहीं करता। लेडीज़ों के लिए तो सबसे बेस्ट है गवर्नमेंट जॉब, बस अर्थ ये है कि जब निकले तब तो लेडीज़ हो चाहे जो भी पर्सन हो, और चाहे जेंट्स पर्सन हो, मतलब ये है कि सबके लिए अच्छे ही है। बस अर्थ ये है कि अब तो आप लोग जानते हैं बेरोज़गारी इस तरह है कि अब हालांकि शिक्षा को बढ़ावा तो दिया जा रहा है, लेकिन रोज़गार को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि वैकेंसी आप लोग जानते हैं कितने कितने सालों में टीचर में। अब देखिए हमारे UPI में देख लीजिए, कम से कम 5-6 साल हो गए, 5 से 6 साल हो गए। 18-19 में आई थी भर्ती इस सुपरटेट, 19 के बाद सोच ली 19 20 21 22 23 24 6 साल होने वाले।
तो ये मान के चलिए तो अभी तक सुपर टेट यानी कि प्राइमरी भर्ती नहीं आई है, लग रहा था कि आएगी लेकिन नहीं आई, तो फिर इस वजह से और बीएड भी बाहर कर दिया गया, तो उन्होंने कहा डीएड कर लो। तो बस यही है फर्स्ट सेमेस्टर मेरा है, चलिए देखते हैं, आप लोगों के साथ जर्नी शेयर करती रहूँगी। और पहले आप लोगों से यही थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग मेरी वीडियो में आए हैं और नए हैं और यदि पुराने भी हैं तो कमेंट करके ज़रूर जाइएगा, ऐसे मत छोड़ के जाइएगा। यदि आप लोग देख लेते हैं तो ये कमी भी नज़र आती है तो आप लोग बता सकते हैं, लिख सकते हैं। ये 5 क्वेश्चन थे, ये ऐसे क्वेश्चन थे कि कुछ क्वेश्चन तो हम मुझे सीरीज में जब जो बुक थी उसमें मिल गए, कुछ क्वेश्चन उसमें नहीं मिल रहे थे, तो मुझे ना गूगल करके ढूंढना पड़ा। और फिर सीरीजों में ये तो गूगल में भी उतना अच्छा अलग अलग प्रकार का निकल रहा था, अलग अलग टाइप से, तो उस वजह से भी टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता, एक कॉपी में 5 क्वेश्चन लिखना। लेकिन तब भी ये रहता है कि बहुत डीप से वो रहता है, इंडेक्स में भी नहीं मिलता, ये चीज़ें हो जाती हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। मतलब ये है कि एक दिन कॉपी अगर अच्छे से करो तो एक दिन में ही कंप्लीट हो पाती है, क्योंकि अब बाकी का टाइम मेरे घर का और भी काम रहते हैं कई सारे, लोग जानते हैं। और चलिए, और ये देखिए, ये आप लोगों को यहाँ ना खुद की कॉलेज की ही मतलब बुकें भी प्लस की हाँ बुक भी आपको प्रोवाइड करा जाएगी, और प्लस आपको कॉपी है तो वो भी मुझे वहीं से ही मिली है। और जैसे आप लोग ये पतली पतली घोटी ज़्यादा से ज़्यादा 300-400 की होंगी, लेकिन अब ये रहता है ना प्राइवेट में कि वो अपने हिसाब से काम करते हैं अपने कॉलेज के हिसाब से, तो बस ये है कि उन्होंने ये थी 1200 की, अब ये देखिए कम से कम 17 हैं, और ये पतली पतली कम से कम 10-12 पेज नहीं कह सकते, हाँ 20 प्लस होंगी थोड़ा बहुत, एक कॉपी में पीछे ये हो सकता है। चलिए जो भी है, चलिए हमारा तो यह है कि अब चलिए एडमिशन ले लिया तो करना ही है, पढ़ना ही है, तो बस यही है। आप लोग देख सकते हैं मेरा कि कहाँ है बालाजी, और ये अच्छे से देखिएगा श्री बालाजी स्नातकोत्तर कॉलेज ये है, और इसे भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि मतलब इसे अच्छे से देख लीजिए, उसमें भी पूरा लगा हुआ है, अब बीच पर डिस्टर्ब हो गया है, इसलिए आप लोगों को अपनी आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे हस्बैंड आ गए थे, इस वजह से ना बीच में डिस्टर्ब हो गया है। तो आपने देखा कि मेरी फाइलें नहीं सारी दी हुई हैं, मुझे लगता है डीएड में ना बीएड से ज़्यादा झमेला है, सबसे ज़्यादा ये इंटर्नशिप का और फिर ये सारी फाइलें आइलें लिखने का उतना ज़्यादा बीएड में नहीं रहता, उसमें ये रहता पढ़ना पड़ता है ज़्यादा, में जो प्रोजेक्ट सिस्टम है इंटर्नशिप है और ये सारी चीज़ें ज़्यादा रहती हैं मुझे लगता है बीएड डीएड में। क्या कर रहे हैं कमेंट में बताओ।